दोस्तों आप सब कैसे हो, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे गुलर की सब्जी। तो देखिए ये है गुलर का पेड़ और देखिए बहुत सारे गुलर फरे हैं। तो गुलर को हम ऐसे तोड़ लेते हैं तो देखिए कितना अच्छा हरा हरा फरा है। तो हम इसे तोड़ लेते हैं तो ऐसे ही तोड़ लिए हैं। तो गुलर को हम तोड़ लिए हैं तो चलते हैं सब्जी बनाने। तो देखिए गुलर को लेकर हम तोड़कर आ गए हैं तो अच्छे से ऐसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही सारे गुलर को हम ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गुलर को हम अच्छे से धो लेते हैं दो तीन बार पानी से। तो कढ़ाई में ले लिए हैं, चलते हैं अभी से हम उबाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो ऐसे थाली से ढक देते हैं। तो गैस को जला लिए हैं, अब हम उबाल लेते हैं। तो देखिए गुलर की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री सामान लिए हैं। ये देखिए लहसुन, हरा मिर्च और ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा जीरा तड़का देने के लिए, यह गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और एक टमाटर। तो लहसुन मिर्चा अदरक को हम पहले पीस लेते हैं और ये टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो सारे मसाले को हम तैयार कर लिए हैं। तो गुलर को हमने अच्छे से उबाल लिए हैं, ऐसे थाली में ले लेते हैं। तड़का देने के लिए प्याज, कड़ी पत्ता और ये जीरा। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं। तो अब हम गुलर को पहले भून लेते हैं। गुलर को फ्राई कर लिए हैं तो मसाले को हम भून लेते हैं, अच्छे से इसे चला देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए गुलर की सब्जी मसालेदार बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो देखिए गुलर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप इसे दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।